Audio Jungle. सत श्री अकाल, मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ बीसी न्यूज़ के वुमेंस डे स्पेशल श्रृंखला में। और जिस तरीके से हम समावी आप सभी तमाम दर्शकों को मिला रहे हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा किया है, खुद का नाम बड़ा किया, और आज इसमें हमारे साथ है मृणाल काटोले मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। दर्शकों को बता दूं कि मैम जनरल मैनेजर कस्टमर रिलेशन रेनॉल्ट उन्नति व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और इनकी जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये संभालती है। जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है एंड टू एंड ऑपरेशन ऑफ 14 लोकेशन ऑफ कस्टमर रिलेशन एक्टिविटीज ऑफ उन्नति ग्रुप फॉर रेनो ब्रांड इन एंटायर विदर्भ, जलगांव, औरंगाबाद, नासिक एंड पुणे। इतनी सारी चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं के पास पावर होती है बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की। उसका अगर परफेक्ट एग्जांपल देखना हो तो मैम हमारे बाजू में बैठी है कहीं ना कहीं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी है। मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो यही है कि मैं जानना चाहती हूँ और साथ ही बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आपकी जर्नी के बारे में। तो आप ही से शुरू करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग नहीं रही मेरी एज सच, जैसे बाकी लोगों का होता है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली, विद एजुकेटेड फैमिली। माय मदर वाज अ टीचर एंड माय फादर वाज आल्सो अ मार्केटिंग हेड इन अ प्राइवेट कंपनी। माय ब्रदर ही इज़ एन इंजीनियर एंड आई माय सेल्फ, यस, ऐसा कोई एज सच गाइडेंस नहीं मिला है बचपन से। जो भी किया है वो आई कैन प्राउडली से खुद के बलबूते पे किया है, खुद के इंटेलेक्चुअल से किया है। जो समझ में आया तब किया। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, बेसिकली शिवाजी साइंस कॉलेज से साइंस ग्रेजुएट हुआ है एंड उसके बाद MBA किया। ओके, साइंस सिंस आई वॉज गुड इन स्कूलिंग एकेडमिक्स तो ऐसा था कि सब लोग बोलते थे कि डॉक्टर बन। ओके, सबका होता है कि व्हेन यू आर गुड इन यू नो एकेडमिक्स तो आप यू शुड, तब डॉक्टर और इंजीनियर इसी का क्रेज था। ये दो ये रहते थे तब, इंडस्ट्रीज रहती थी जहाँ पे आपको करना है। बट आई वॉज नॉट दैट मच इन टू इट क्योंकि आई एम क्वाइट एन इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। वो कट्स, स्कार्स, सर्जरी आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी। सो यस, कहीं ना कहीं एक था कि आई कैन मैनेज थिंग्स वेल, सो आई परस्यू MBA। ओके, तो मैंने नागपुर से MBA किया इन मार्केटिंग एंड HR। ओके, एंड देन माई यू नो एक्चुअल ग्रोथ स्टार्टेड। ओके, माई पर्सोना इम्प्रूवमेंट स्टार्टेड। ओके, MBA में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो यू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, पर्सनैलिटी ग्रूम जो होता है वो। देन फिर आई गॉट टू नो कि नहीं, अभी आई कैन डू बेटर इन टू मार्केटिंग या फिर, एंड देन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, कस्टमर रिलेशंस में आई एम गुड एट इट, सो आई शुड परस्यू माई करियर इन कस्टमर रिलेशंस। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड इन 2012 आई जॉइन उन्नति व्हीकल्स। ओके, एंड आई टुक अ गैप फॉर 2 years फॉर माई वेडिंग एंड यू नो टू डेवलप माई किड। And yes, post then, when I shifted back to Nagpur, I was again called by Unnati Vehicles. Okay. And that's how I am there with the Unnati Vehicles since last 5 years. Okay. जिस तरीके से मैम कहते हैं कि शादी होने के बाद चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर सोसाइटी वाले भी कहते हैं कि बच्चा घर पे है, कैसे कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, कैसे वो जो मेंटालिटी थी उसके बैरियर्स को क्रॉस किया और आज ये मुकाम। वेल, फॉर अ वुमन जो एस्पायरिंग है, जिस हु इज़ अ करियर ओरिएंटेड, जिसको अपना यू नो एक प्रेजेंस चाहिए सोसाइटी में, जिसका अपना एक अस्तित्व चाहिए, उसके लिए पोस्ट मैरिज बहुत चैलेंजेस रहते हैं ऑफकोर्स। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी यू नो सपोर्टेड बाई माई फैमिली, माई इन लॉज जो है एंड माई हस्बैंड ऑफकोर्स। पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहा है, बट पेरेंट्स इन लॉ का सपोर्ट होना एक फैमिली में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट टू यू नो अ वुमन, वर्किंग वुमन ऑलवेज हैव अ गिल्ट की बैक ऑफ द माइंड की यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के आ रही हूँ या मैं अपने बच्चे को छोड़ के काम कैसे करूँ। तो वो क्लैरिटी मुझे मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने दी, मेरे सास ससुर ने दिए, सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड विद दैट कि वो है। तो मैं यू नो आई कैन प्राउडली से मैं बहुत टूरिंग भी करती हूँ, बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करती हूँ। तो इन दैट केस दे हैव एंड वी हैव इनकल्केटेड इन आर किड्स कि वो मेरे
बगैर भी लाइक 3-4 डेज अच्छे से रह सकते हैं. ओके, सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम. ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम कौन है, तो आप क्या बताएंगे? माय हस्बैंड ऑफ कोर्स. ओके, विदाउट हिम सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्होंने किया है. ओके, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का आपने सामना किया है, स्ट्रगल मोमेंट, तो कभी ऐसा मोमेंट आया जब एक ब्रेक डाउन आपको लगा होगा कि यार रुकना है, मतलब नहीं हो रहा है, ऐसा कभी? ऐसा सच ऐसा मोमेंट तो नहीं आया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे रुकना है कहीं पे. बट हाँ, एक टाइम आया था पोस्ट वेडिंग, जब बच्चा हो गया, फिर ही वॉज ग्रोइंग लाइक 1 ईयर का हो गया, तो फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था बिकॉज आई एम अ वुमेन ऑफ अचीवमेंट्स. उसके पहले भी, शादी के पहले भी मैंने अचीवमेंट्स थे मेरे प्रोफेशनली पर्सनली. सो घर पे बैठ के आइडियली ये करना, फिर इट वॉज लाइक कि तू क्या कर रही है. हाँ, देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स इन लॉ एंड ही सेड यू गो अहेड, हम लोग आते हैं. एट दैट टाइम आई वॉज इन पुणे, सो दे सपोर्टेड मी, दे अप्रूव्ड कि चलो आप करो, हम लोग आते हैं. वेल, एक और सवाल था कि वॉज दैट अ लॉट डिफिकल्ट, जब आपने मतलब शादी के बाद चीज़ें की, बाद में फिर से आर्किड वगैरह हो गया, फिर से आप ज्वाइन करी, वॉज दैट एक्चुअली अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू? लाइक यस, क्योंकि एक यू नो प्रोफेशनल लाइफ में एक आपका यू नो एज एन इंडिविजुअल आपका एक मार्केट वैल्यू होता है फॉर लेट इट बी सैलरी पर्पज, या फिर आपका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल बनता है, दैट इम्पैक्ट्स योर लॉट. क्योंकि 2 ईयर्स ऑफ अ गैप इन योर प्रोफेशनल लाइफ मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि वो 2 साल में आप शायद इफ यू आर ऑन 25,000-30,000, वो 2 साल में आप 40,000 पे जंप कर जाते थे. obvious, तो वो जो बैकलॉग होता है ना, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव. ओके, तो मतलब हाउ डिड यू लाइक मैनेज, कैसे कर लिया इन सारी चीज़ों को? आई स्टार्टेड विथ जो मेरी प्रोफाइल को एट दैट टाइम सूट करता था. रीस्टार्ट करना इन अ जॉब दैट टू इन पुणे, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो मैंने पहले वो स्टार्ट किया विथ, ठीक है जो मुझे ये हुआ, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ अ वेरी बिग ग्रुप एंड आई हैंडल्ड ऑलमोस्ट 150 एंटरप्रेन्योर्स ओवर देयर हु वर डायरेक्टर ऑफ देयर ओन कंपनीज. ओके, तो दैट हैज गिवन मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीप इन माई करियर. ओके, फ्रॉम वेयर आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स, आई लर्नड हाउ टू ग्रूम माई सेल्फ, हाउ टू टॉक, एवरीथिंग. सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑल्सो. ओके, एक और सवाल जो आपसे था, मतलब यूजुअली बहुत बार जब भी हम वुमेंस डे की बात करते हैं, तो मैंने जिस तरीके से कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात होती है, या फिर महिलाओं के अधिकार के बारे में बात होती है, पर कोई ये नहीं पूछता कि महिलाओं को असल में चाहिए का. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप एक अच्छी पोजीशन पे है, बहुत सारी महिलाओं से आपका इंटरेक्शन ऑब्वियसली होता होगा, तो एज एन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है एक महिला को, मतलब व्हाट डज एक्चुअली एन वुमेन वांट? वुमेन को ना, वुमेन्स आर वेरी सिंपल, उनको लाइफ में बहुत कुछ फ्लैशी, बहुत ये ऐसा कुछ चाहिए नहीं रहता, उनको सिर्फ चाहिए रहता थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी स्पेस और बहुत सारा प्यार. दैट इज व्हाट अ वुमेन वांट्स. मतलब यूजुअली जो लोगों को लगता है कि वुमेन्स आर एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा वगैरह कुछ नहीं, दे आर सिंपल. इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ वुमेन. एक बार अगर उनको समझ जाए तो वो बहुत इजी हो जाता है उनके लिए किसी भी वुमेन को समझना. ऑफ कोर्स हर एक, 5 उंगलियां तो सेम नहीं होती है, तो हर एक वुमेन हैज़ अ डिफरेंट ऑरा, हैज़ अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, बट एक बेसिक जो चीज़ हम लोग अगर कॉमन किसी को ये करके देखें तो वो यही होता है, प्यार दो, इज्जत दो और थोड़ी सी स्पेस दो, ताकि वो अपना एक यू नो वो परिवार है या जो इंटरनल सोसाइटी है उससे बाहर निकल के कुछ और कर सके. ओके, आपसे ये भी पूछना चाहते थे, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि इवन वी आर मॉडर्नाइज इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है और दिखाया भी जाता है, बट स्टिल देयर इज इन सेक्टर की जहाँ पे महिलाएं अभी भी उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं के बीच बंधी हुई है, उन बंधनों के बीच जकड़ी हुई है, उन सारी महिलाओं को अगर कोई मैसेज देना होगा, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है मतलब उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर सकती है, ऐसी सारी महिलाओं को आप क्या कहेंगी? उन महिलाओं के लिए एक ही संदेश है मेरा कि सबसे पहले तो आपको अपने परिवार का विश्वास जीतना होगा. यू नो, एक शादी होकर जब एक लड़की दूसरे घर में जाती है ना, तो उसको अपना मुकाम, शी हैज़ टू अर्न दैट प्लेस, वो मिलता नहीं है बिकॉज इट इज़ टोटली अ डिफरेंट फैमिली. आपका परिवार का आप विश्वास पहले जीतिए, आप अपने आप को प्रूव कीजिए, एंड ऑफ कोर्स दे विल अलाउ यू व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ. उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं
और आपको आगे क्या करना है। अगर आपने उनको ये कन्विंस करा दिया तो वो आपके साथ जरूर रहेंगे। ओके, तो मतलब चीजें अगर कन्विंस की जाए, करवाई जाए सही तरीके से, मतलब जिस तरीके से आपने कहा मार्केटिंग में आप है तो आपने भी यही सारी चीजें यूज की है, तो वही है कि एक वुमेन को भी मार्केटिंग वाली चीजें थोड़ा सी स्किल्स आ जाने चाहिए ताकि वो कन्विंस कर सके घर वालों को। उसके बाद जो सपोर्ट मिलता है वो तो खैर क्या ही कहे। यस, इट इज अनबिलीवेबल। ओके, अब अमृणा जी आपसे एक और चीज जो मुझे पूछनी थी कि कहीं ना कहीं हर किसी का इंस्पिरेशन होता है, मैं जानना चाहती कि इतनी जो आपकी जर्नी रही है आपका इंस्पिरेशन कौन था? माय मॉम ऑफ कोर्स, मेरी मम्मी। ओके, बीइंग अ टीचर उन्होंने बहुत सारा, मतलब उन्होंने स्कूल भी संभाली, उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया, उन्होंने हमें भी डेवलप किया है एंड डेवलप इस मुकाम पे किया है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। सो ऑफकोर्स उनको क्रेडिट तो जाता ही है एंड सेकेंडली माई मदर इन लॉ ऑल्सो। ओके, उनको कैसे भूल सकती हूँ मैं। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें आती है एक लड़की की लाइफ में, उन्होंने जिस तरीके से घर वालों को, रिश्तों को बांध के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, और वही चीजें उन्होंने हम में भी ट्रांसफर की है। अच्छा। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से थी और अभी हमारी फैमिली इट्स लाइक वेरी बिग, 50-60 मेंबर्स ऑफ फैमिली हमारी है, तो रिश्तों को जोड़ के कैसे रखना है ये उनसे मैंने सीखा है। पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों माय मदर्स आर माय इंस्पिरेशन। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे कि तमाम जितने भी दर्शक, जितनी भी महिलाएं आपको आज देख रही है, इंटरनेशनल वुमेंस डे का मौका है, आप सभी को क्या कहेंगी? वेल, एक ही बात कहना चाहूंगी, वुमेनिया यू आर ब्लेस्ड विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज। सो ये तीन चीज़ें आप कभी मत भूलिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पे अपने लिए स्टैंड कीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई और स्टैंड नहीं करेगा अनलेस एंड अंटिल यू वोंट स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ओके, सो गो अहेड, रॉक द बेल एंड यू नो रॉक द फ्लोर, दैट्स व्हाट आई वुड से। रॉक द फ्लोर, वैसे भी वो मनियाए हर फ्लोर को रॉक कर ही देती है, मतलब जहाँ भी जाएगी ना अपना नाम रोशन करके आती है हर क्षेत्र में। जैसे हम कह सकते हैं कि महिलाएं आगे है और हमेशा अपना मुकाम जो उनको पाना होता है ना वो कड़ी मेहनत, जिद और अच्छे से करी देती है। एग्जाम्पल आपके बाजू में है कहीं ना कहीं और ये सामने भी हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से मृणाल जी से हमने बात की, बहुत ज़्यादा अच्छी वुमनिया हम कह सकते हैं, बोल्ड बिंदास टाइप की, जिन्होंने बहुत सारा मतलब मेहनत की है अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। साथ ही इनकी जो स्टोरी रही वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सिंपल थी बट बहुत ही प्यारी सी थी। तो ये थी हमारे साथ मृणाल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन, इट वाज एक्चुअली एन ग्रेट प्रेजर, थैंक यू सो मच। इसमें बस एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, माय स्ट्रेंथ, माय यू नो इंटरनल फैमिली तो एक होती है, एक एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, तो रेनो उन्नति व्हीकल्स इज माय एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, तो जहाँ पे आज मैं पहुँची हूँ आई वुड प्राउडली से कि जहाँ पे हमारे सारे सेल्सर्स होते हैं वो आर मेल, यू नो वो आर मेन, तो उनके बीच में मैं एक लड़की हूँ जो यू नो वो हैज ग्रोन टू दिस लेवल ऑल बिकॉज ऑफ द कल्चर वी हैव इन आर ग्रुप उन्नति व्हीकल्स में। कभी भी बायस नहीं होता है और कभी भी यू नो ये नहीं होता है कि जेंडर ओरिएंटेड नहीं होता है, सो वी हैव बीन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाई आई एम हियर। ओके, और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी यही चीज चाहिए थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, मतलब वही। और आपने प्रूफ भी कर दिखाया है जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब सारे मेल्स और उसमें आप स्टैंड करती है, तो कोई भी महिला आसानी से कर सकती है, बस आप में वो जुनून होना चाहिए और जिद होना चाहिए। थैंक यू सो मच मृणाल जी, इट वाज एक्चुअली एन ग्रेट सेशन विथ यू। सभी दर्शकों के लिए फिलहाल के लिए हमारे इस सेशन में इतना ही, ऐसी तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। ऑडियो जंगल।